आज के जो बेटा हमारा ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 27 है और चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का है। इसका लेक्चर आप लोग ले चुके हो संडे को। वेव्स टू इफेक्ट ऑफ वेरियस वेरिएशंस ऑन स्पीड ऑफ साउंड तक का ये पोर्शन है जिसका ये टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला MCQ है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बहुत सिंपल है फॉर यू, डी ऑप्शन है इसकी। सेकेंड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, स्पीड आपको गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड, ये वाली ये वेलोसिटी आ गई या स्पीड आ गई। फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ, अब जारी बात है फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आपको इसके अंदर वी और एफ की वैल्यूज गिवन है, वी की जगह 400, एफ की जगह 600। यूनिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे SI यूनिट्स हैं। 600 को ला के 400 से डिवाइड करें, 0.66 मीटर, ऑप्शन ए आंसर, सिंपल। इसमें ये नोट कर लो कि सोल्यूशन कैसे होगा, छोटा सा मैं बता दूं। कैलकुलेशन बास बच्चे इस कैलकुलेशन में आके फंस जाते हैं, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4/6 बनेगा, ये दोनों डिवाइड होते हैं 2/3 बनता है। अब यहाँ पर 1/3 आपको जुबानी याद होना चाहिए, फ्रैक्शन जो 0.33 को शो करता है, तो जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.66 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसका वे आउट है सॉल्व करने का, इसे ज़रा नोट कर लो और स्क्रीन शो ले लो ताकि ये दो क्वेश्चन आपके पास भी महफूज हो जाए सॉल्यूशन समेत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, और ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल टाइप है लेकिन ग्राफिकल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव शोन इन द फिगर। इसमें अब आपको स्पीड अलग से गिवन है, वी 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपके पास ये अगर आप देखोगे डायग्राम में, इधर ये एक्स एक्सिस मतलब 20 सेंटीमीटर। अब गौर से देखें, 20 सेंटीमीटर टोटल ये लेंथ शो की गई है, यहाँ तक एक वेवलेंथ बनता है, यहाँ तक दूसरा वेवलेंथ बनता है और 20 पर आके हाफ वेवलेंथ बनता है, यानी आपके पास 2 लैम्डा पूरे हैं, 2.5 लैम्डा, ये 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ से लैम्डा निकालना चाहोगे तो 25/10 लैम्डा करो इसको, इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 200 क्योंकि 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा अगर, और ये 25। इसको मजीद आसानी से सॉल्व करना है तो 100 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, 25 4 आपको पता है 100 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तो 4 2 8, इसका मतलब है लैम्डा 8 है। अब 8 यहाँ दो ऑप्शन में, अल्फा में भी और चार्ली में भी, तो दूसरी चीज़ आपको आपको निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। उसके लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा अप्लाई करोगे, v 320 है, f मालूम करना है और 8 सेंटीमीटर, इसको अब हम मीटर में लेके चलेंगे क्योंकि हमने वेलोसिटी को मीटर में शिफ्ट किया है, या वेलोसिटी मीटर में गिवन है, तो 8/100। बाकी आप सॉल्व करोगे तो आपको पता, 8 जब 3200 से डिवाइड करते हो, 32 से तो 8 4 32 होता है, बाकी 3 सिफर लग जाएंगे तो 4000 आंसर बन जाएगा। ये देखो मैं पूरा स्टेप कर देता हूँ, ये गया 40 और ये आ गया 4000, तो 40 आंसर हमारा कंफर्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ साथ, मुझे कहना ना पड़ेगा, ठीक है मेरा बेटा। क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटर वेव्स इन द सी आर ऑब्जर्व टू हैव द वेवलेंथ ऑफ 300 मीटर। नहीं जी, लैम्डा आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, स्पीड निकालनी है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 300 को मल्टीप्लाई कर दो 0.07 का मतलब 7/100, 0 0 कैंसिल होंगे, 21 इज योर आंसर, चालू।
इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा बाय 4 तो फेज डिफरेंस बताएं। दो मेथड हैं करने के, 2 पाई, एक ये फेज डिफरेंस होता है हमारे पास लैम्डा के अंदर। अब मैंने इसको लैम्डा बाय 4 बनाना है तो 2 पाई बाय 4 कर दो तो वो कटकटा के पाई बाय 2 आ जाएगा। ये एक आंसर है डायरेक्ट थीटा। दूसरा आपके पास ये फार्मूला आपकी बुक में ही है, फाइव्स में फेज डिफरेंस है, एक्स पाथ डिफरेंस है, तो एक्स की जगह लैम्डा बाय 4 पुट अप करना है। फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स की जगह पर आप लैम्डा बाय 4 पुट अप करोगे तो लैम्डा लैम्डा से कटेगा, बाकी पाई बाय 2 आएगा। इसरा कर लो उसरा कर लो आपकी मर्जी है। आगे आपके पास है कि दो आपके पास साउंड वेव्स हैं और इसमें जो फेज डिफरेंस है ना वो 60 डिग्री है। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें पहले आपको फेज डिफरेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में ले जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है उसमें भी इसका जिक्र आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल चीज़ है, 0 0 से कैंसिल होगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया 5 का आंसर। अब ऊपर फॉर्मूला मैंने ये सर्कल किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में, उसी में वैल्यू पुट अप कर दो या वो 2 पाई वाला तरीका यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। मैं इस वक्त फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। आई हैव टू फाइंड एक्स तो मैं यहाँ करूँगा पाई बाय 3 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, पाई पाई से कैंसिल और ये जो 2 है नीचे जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा और लैम्डा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आंसर आएगा एक्स का लैम्डा ओवर 6, बीटा आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी न्यूमेरिकल टाइप छोटा सा क्वेश्चन है। 4 सेकंड आपके पास पीरियड है, टाइम पीरियड, स्पीड 40 है, फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है। जब टाइम पीरियड आ गया एफ इज इक्वल टू 1/T का फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी आपको वैसी दी गई है, इसमें यहाँ उसका कोई यूज नहीं है। हाँ लैम्डा मालूम करने को अगर कहता तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के फिर यूज कर लेते इसको, ठीक है। तो 1/4.25 होता है। अच्छा ये भी स्ट्रेटजी सीख लो, अभी मैंने 1/3 आपको याद कराया 0.33 होता है, तो 1/4 जो है ना वो 0.25 होता है, 1/5 अगर आप करोगे तो वो 0.2 हो जाता है, एंड सो ऑन। आपको ये जो फ्रैक्शन है ना ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब 1/4 को फ्रैक्शन याद नहीं है, दूसरा तरीका देखो, 100 से इसको मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड कर दो 4 अपनी जगह पर, ये जो है ना ये 25 पे जाता है, तो ये बन जाएगा 25/100 जो 0.25 पे जाता है। इस तरह भी हल कर सकते हो, तो आपका जॉब चालू हो गया। अगला फिर क्वेश्चन वही ग्राफ का आ गया जो ऊपर भी किया था, लेकिन यहाँ पे गौर से देखो टाइम गिवन है, उधर डिस्टेंस गिवन था साथ में, ठीक है। अब टाइम गिवन है यानी ये जो एक्स एक्सिस है ना ये टाइम के लिए, और डिस्प्लेसमेंट दिया गया वाई एक्सिस पे माइक्रोमीटर में, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट तो ये एम्पलीट्यूड होगा ना 5 तक। अब आपके पास इधर 5 है, ये 10 है सेंटर में और ये 15 है। एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस या एक क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ले लो या नीचे ले लो, तो वो जो टोटल आपके पास आता है वो आपका टाइम पीरियड होता है, एक वेवलेंथ का टाइम। अब यहाँ पर एक वेवलेंथ का जो टाइम आ रहा है वो 10 आ रहा है, इसका मतलब है इधर जो हमारे पास टाइम पीरियड है ना वो 10 माइक्रो सेकेंड है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 1/T 1/10 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो ऊपर जाके 10^6 बन जाएगा, और 1/10 का मतलब ये होगा कि 1 पावर को ये कम करेगा। हम अगर पावर नहीं भी कम करते या कम करना चाहें तो 10^5 आंसर हो गया एफ का। अब मुझे मालूम करना था वेवलेंथ, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करना था, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली। अगर आप नहीं मालूम करना चाहते आप यूं कर लें, वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी कर दीजिए,
एफ लैम्डा की जगह लैम्डा ओवर टी करके डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा के आप हल कर लें, दो स्टेप में आ जाए, टाइम बचाया करें। बहरहाल हम कर चुके हैं, ऐसे हम यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे। अपने स्पीड गिवन है ये 2500, इधर आ गया 2500। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 10^5 लैम्डा, तो ये 2500 एक तरफ करें ओवर 10^5 है ना, तो 10^2 अलग कर दो और 10^3 अलग कर दो ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। ये भी इस तरह हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 25 × 10^-3 आंसर आ गया लैम्डा का, जो 25 मिलीमीटर बनता है, इस लिहाज से जवाब अल्फा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटर स्पीड? वैक्यूम में सबकी स्पीड बराबर ही होती है, ये वन एयर में भी आ जाएंगे स्पीडिंग की, आपस में बराबर ही रहती है स्पीड ऑफ लाइट, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, तो इसमें ये कोई फर्क नहीं है कि गामा की कोई और स्पीड होगी, अल्ट्रा वायलेट की कोई और होगी, व्हाइट लाइट की कोई और होगी, इंफ्रारेड की कोई और होगी, ना ना सबकी स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, नोट कर लो। और इसका फॉर्मूला लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला होता है स्पीड ऑफ लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसमें म्यू नॉट परमियाबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है, तो ये आ गया ऑल हैव सेम स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेवलेंथ आर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का जो ऑर्डर है ना, ये उसका सवाल है। इंक्रीजिंग का मतलब है, पहले आपको पता होना चाहिए रेडियो वेव्स होती हैं, रेडार, फिर रेडियो वेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल और फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स और फिर गामा। इस लिहाज से देखा जाए तो रेडियो वेव सबसे पहले इधर आई है, फिर माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है और विजिबल है, ठीक है, ये बीटा ऑप्शन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की है। 11th जो आपका क्वेश्चन है, साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.3 किलोमीटर किलोहर्ट्ज एंड वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड अराइव एट द लेफ्ट एंड राइट एयर एट स्लाइटली डिफरेंट टाइम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर डिस्टेंस। अब फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स व्हाट इज द फेज डिफरेंस? अब देखो 2.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस का डिफरेंस है आपके पास, आपने क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है फेज डिफरेंस। अब यहां पर जो पहली चीज है फेज डिफरेंस फाई, उसका जो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है अभी मैं बता के भी आया हूं, 2π/λ एक्स, ये होता है। अब हमारे पास लैम्डा अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन में देखें नहीं है, तो पहली चीज आपको लैम्डा पता होना चाहिए। जब तक लैम्डा नहीं पता लगेगा आप इसमें वैल्यू पुट अप करके फाई कैसे मालूम कर सकते हैं, तो पहली चीज है लैम्डा कैलकुलेट करना। अब यहां पर मेरे पास पाथ डिफरेंस है एक्स, ये गिवन है मुझे, वो 2.5 है मेरे पास। फिलहाल लैम्डा के लिए कैलकुलेशन करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ है 3.3 किलो और वेलोसिटी है 330, यहाँ 330 लगा दो, यहाँ लगा दो 3.3 किलो की जगह 1000 होता है, या 10^3 लिख दो फिलहाल, इसको इस तरफ ले आओ लेफ्ट साइड पे और इनको आपस में डिवाइड कर लो, 330/3.3 को मैं लिखने लगा हूँ 33 की शक्ल में, और 10 ऊपर लेके जा रहा हूँ, और ये 10^3 स्टेप्स में आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आ जाए। अब ये दो सिफर आपके हैं, दो जीरो, ये 10^3 की दो पावर से कटेंगे और इनकी जगह बचेगी 10^1, बाकी 33 कैंसिल हो जाता है आपस में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आपके पास 1/10 बचा लैम्डा की जगह, बाकी अब आपने यहाँ वैल्यू पुट अप कर देनी है, लैम्डा की वैल्यू आपको पता लग गई, एक्स इसके अंदर 2.5 मिली है वो ओवर 1000 हो जाएगा और 2π, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, पाई को आपने सॉल्व नहीं करना क्योंकि जितने आंसर है ना उनमें पाई अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास जो उसका आंसर बनेगा वो बीटा है, बस इतना सा है ये, बाकी जो है इसका सोल्यूशन वो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो यू कैन टेक इट, आपके सामने स्क्रीन पर है।
ये देख लें पूरा वो स्टेप हुए हैं, ये पहले लंबा कैलकुलेट किया गया दिस वन, मैंने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया ठीक है, कैंसिल कर लिया 10 अलग करके ना, 33 ओवर 33 अब होता है 1/10 ही बनता है ये, और 1/10 ऊपर जाकर ये 10 आ गया, ये 2.5 10 पावर माइनस थी जिसमें 1000 नीचे गया और ये 2π। इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है, इसको भी सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, यहाँ से ये डेसिमल ख़त्म करें, इधर नीचे 10 करेंगे तो ये 10 ऐसे कट जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 50 बन जाता है आपके पास, और नीचे 1000 लिखते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो 1/20 बनता है, बाकी पाए आपके पास पहले से मौजूद है उसको आपने नहीं छेड़ना, सॉल्व कर लें आ जाएगा आंसर ठीक है। अब इन्होंने जो शेप दी है क्वेश्चन की, 2π को यही रहने दिया है, अगर हम 2 ख़त्म करते हैं तो नीचे 10 आता है आंसर में, पाए बाय 10, लेकिन आंसर हमने देना है जो हमारे पास ऑप्शन है वो पाए बाय 20 की शक्ल में है, ये बात आपने देख लेना सॉल्व करके, बस ये इसी तरह से सॉल्व आ जाएगा इसको ठीक है, ये 0 0 गया और ये पाए बाकी बचा नीचे 20 आ जाता है, यही आंसर आता है आपका, तो यहाँ 2 नहीं है ठीक है बच्चे। इसके बाद ये फिर एक ग्राफ का क्वेश्चन आ गया उसी किस्म का जिस तरह हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर टाइम है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक चीज़ गौर से देखो एम्पलीट्यूड ये है, ये तब्दील नहीं हो रहा और डॉटी लाइन शो कर रही है, अलबत्ता इधर जो वेवलेंथ है वो आप देख सकते हो ज़्यादा है, लेकिन आगे जाके वेवलेंथ क्या हो गया कम, ये वेवलेंथ 1 है तो ये वेवलेंथ 2 है, वेवलेंथ कम हो रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये क्वेश्चन था कि कौन सी क्वांटिटी बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इन्वर्स होता है। 13th है जी, एक साउंड है वेव उसकी फ्रीक्वेंसी है 2500 हर्ट्ज, वेलोसिटी पता है यानी आपको वी पता है एफ पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर इन द वेव टू अ पॉइंट ऑफ मिनिमम प्रेशर, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फासला लैम्डा बाय 2 होता है, आपसे लैम्डा बाय 2 मांगा गया है, आपने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के पहले लैम्डा निकालोगे फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, यहाँ ये स्टेप हुआ हुआ है जो आप 0.3 आएगा, कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूँ 2-3 किस्म की, तो आप कर सकते हो बड़े आराम से ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पॉइंट आपके पास एक 14 जी सोर्स ऑफ साउंड इमिट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट रेट, पर्सन है 8 मीटर के फासले पर है फ्रॉम द सोर्स लिसन सुनता है आवाज को। अच्छा अब यहाँ पर जो सुनने वाली बात है ना, जब एक इंसान कान लगा के आवाज़ सुनता है तो आवाज़ आती है जब वो आवाज़ उसके कान में एंटर होती है, ये क्वेश्चन बनता है इंटेंसिटी का, जो जो हम सोर्स के नज़दीक जाते हैं इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी जो वेव्स हमारे कान में एंटर हो रही है उनकी तादाद को इंटेंसिटी कहते हैं, जैसे एक कमरे में एक बल्ब लगाओ तो इंटेंसिटी कम है, लाइट की 2 ऑन कर दो एक जैसे तो लाइट की रेस की तादाद बढ़ गई कमरे में, यानी इंटेंसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है ना उसका जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो होता है जी स्केयर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात याद रखिएगा डिस्टेंस के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट होता है स्केयर के साथ। एनीवे अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आफ्टर अ व्हाइल, यहाँ से अब आगे पढ़ते हैं जहाँ तक पहले पढ़ा था, हाईलाइट कर देता हूँ, द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स को आपने डबल कर दिया, यानी एक जिस तरह स्पीकर है आपने डबल स्पीकर ऑन कर दिया, इफ द पर्सन विशेस द साउंड टू सीम एज लाउड एज बिफोर, अब बंदा ये चाहता है कि उसके कान पे लगा प्रेशर ना पड़े, वो चाहता है इंटेंसिटी उतनी आए जितनी पहले आ रही थी, ऑब्वियसली अपना डिस्टेंस वो चेंज करेगा, वो जरा पीछे हटेगा, तो हाउ फार शुड ही बी नाउ फ्रॉम द सोर्स, अब उसे सोर्स से दूर कितना होना चाहिए, ठीक है ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है वो लोग तो इंटेंसिटी डबल कर रहे हैं लेकिन हमने क्या करना है अपनी इंटेंसिटी को सेम रखना चाहते हैं, ठीक है तो उसका ये क्वेश्चन है। अब डिस्टेंस पहले था 8 मीटर का ये लिखा हुआ है, अब कितना होगा डिस्टेंस, इंटेंसिटी का रिलेशन है एक्स के स्क्वायर के साथ, एक्स हमारा चेंज हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम रेशो के हवाले से चलते हैं इंटेंसिटी
वन ओवर इंटेंसिटी टू, ये आ जाएगा एक्स टू स्केयर ओवर एक्स वन स्केयर। इस पूरे का ले लें आप अंडर रूट, तो ये हो जाएगा एक्स टू ओवर एक्स वन, और यहाँ आएगा आई वन ओवर आई टू। या इन अदर वर्ड्स आप यूं समझ रहे हैं कि आपके पास अब जो डिस्टेंस एक्स वन है वो तो आपके पास एट है, और जो इंटेंसिटी आपको दी गई है वो दी गई थी टू टाइम्स ज़्यादा, ये लिखा हुआ इंटेंसिटी टू जो है ना, उन्होंने वो इंटेंसिटी वन का टू टाइम्स कर दिया था। अब हमारे पास ये है कि जो डिस्टेंस था वो पहले एट था, अब हमने उस डिस्टेंस को बढ़ाना है, आठ से ज़्यादा करना है। आपके पास चूंकि इंटेंसिटी को जब डबल करते हैं, यहाँ देखिए इंटेंसिटी एन रूट में आ रही है, तो जब उसको डबल करोगे नेक्स्ट डिस्टेंस आपके पास एक्स टू की जब हम बात करेंगे तो इंटेंसिटी जो वन है उसके मुकाबले में टू टू टाइम्स है, तो आपका जो डिस्टेंस अब आएगा एक्स टू वो ऑब्वियसली एक्स वन के साथ उसका अंडरूट के साथ मल्टीपल होना चाहिए। एक्स आठ था इसमें और ये अंडरूट टू आ जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा एट अंडरूट टू। अंडरूट टू इसलिए आ रहा है कि जब आप इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो इंटेंसिटी चूंकि अंडरूट के अंदर है तो अंडरूट टू हो जाएगा इसका डबल, और आठ आपका पहले से डिस्टेंस था, अब आपने आठ से पीछे हटे तो एट इंटू अंडरूट टू टाइम्स, ये आपका नया डिस्टेंस आएगा जब आपकी इंटेंसिटी इतने फासले पर जाके वही वैल्यू इख्तियार कर लेगी जो एट मीटर के फासले पर थी उसकी वैल्यू। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके अंदर 15, वेलोसिटी ऑफ द साउंड है 360, वाटर में है 1440 मीटर पर, ये दो वेलोसिटीज आ गई। वेवलेंथ एयर में अगर 2 सेंटीमीटर है तो वेवलेंथ बतानी है वाटर में। अब देख लो लाइट वेव्स हो या साउंड वेव्स हो, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है ना तो वेवलेंथ कम हो जाता है डेंसर मीडियम में। सुन लो, डेंसर मीडियम में एंट्री होगी किसी भी वेव की तो वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा रिलेशन है वेवलेंथ और वेलोसिटी का वो डायरेक्ट रिलेशन है एक लिहाज से। तो मैं अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर मुझे पता है, वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर मालूम करना है, तो वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन एयर, लैम्डा इन वाटर, लैम्डा इन एयर, ठीक है, सब कुछ आपको गिवन है, वैल्यूज पुट अप करके जस्ट हल करना है, सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी उसने फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन किया नहीं है खर्चा। एनीवे ये सोल्यूशन हुआ है, आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सी आंसर है। चलिए 16th पे आ जाएं। एक प्रोग्रेसिव वेव है, ऐसी वेव जो एनर्जी शिफ्ट करती है उसे प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज़, स्पीड भी पता है आपको। अ कंप्रेशनल मैक्सिमम अपीयर्स एट अ प्लेस एट अ गिवन इंस्टेंट, द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच अ रेयरफैक्शन मैक्सिमम विल अकर एट द सेम प्लेस। यानी वेव आगे जा रही है, एक कंप्रेशन आ गया, उसके पीछे आपके पास रेयरफैक्शन आएगा। अब कंप्रेशन के सेंटर से रेयरफैक्शन के सेंटर तक का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज़ आपको टाइम निकालना है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, या लैम्डा ओवर टी लगा दो डायरेक्ट, सोल्यूशन देख लें आप सिंपल। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, अभी अभी आपको बता के आया, ये आपके आ गया। और आपने जो टाइम मालूम करना है वो इस टाइम का क्या करना है, हाफ, ये वही चार चीज़ है जो अभी एक क्वेश्चन में की थी, लैम्डा बाय टू हमने निकालना था डिस्टेंस, कंप्रेशन से रेयर फैक्शन के सेंटर, सेंटर का डिस्टेंस लैम्डा बाय टू होता है। हाँ, एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन का वो लैम्डा बन जाता है, और जिसका क्रेस्ट से क्रेस्ट लैम्डा होता है, और क्रेस्ट से ट्रॉफ लैम्डा बाय टू होता है, जस्ट लाइक दैट। एनीवे इसको जब आप हाफ करोगे, वन ओवर 500 को हाफ करोगे
देखो 1/500 को हाफ करोगे, ये बात की तो ये 1/1000 हो जाता है, 500 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 17 पे हो। एक बोट है एट एंकर इज रॉक्ड बाय द वेव्स ऑफ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, क्रेस्ट ये लैम्डा है, असल 100 मीटर अपार्ट है, ये लैम्डा है। तो दे रीच द बोट वंस एवरी, टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा या लैम्डा बाय टू, ये लैम्डा बाय टी लगाओ, डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल लो 4 सेकेंड। 18 पे आ जाओ, इस दौरान कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आस्क, आप रोक के भी पूछ सकते हैं। 18 क्वेश्चन है, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़, वेलोसिटी इसकी 360 है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बताना है बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट्स जिनका एंगल 60 डिग्री है। पहले तो लैम्डा निकालो ना, लैम्डा निकलेगा तो 60 डिग्री को अभी अभी हमने कन्वर्ट किया था उसमें पाई की शक्ल में, पाई बाय थ्री था, तो पाई बाय थ्री का आपको चाहिए, ये फेज डिफरेंस है, इनका डिस्टेंस एक्स चाहिए, पाथ डिफरेंस, वो आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन लैम्डा पता होगा तो करोगे, लैम्डा यहाँ हमें पता ही नहीं क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है एक्स इजिकल टू 2π/λ x। अब एक्स निकालना चाहते हो, ये फाई की जगह तो मैं पाए बाय थ्री लगा दूंगा, यहाँ आ जाएगा 2π/λ, पाए पाए कैंसिल, लैम्डा बाय सिक्स, इतना सवाल तो हमने भी थोड़ी देर पहले किया हुआ है, ये लैम्डा हम निकालना है क्योंकि हमारे पास लैम्डा की शक्ल में जवाब नहीं है, एक वैल्यू की शक्ल में, तो यहाँ लगाओगे वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा निकालो तो ये लैम्डा का आंसर है 0.72। अगर आपने 0.72 में नहीं चलना, आप पूरा ये भी लिख सकते हैं 36/50, आप इसी शक्ल में लगा दें, हल कर लें, जवाब आपके पास आएगा 0.12। अब ये कोई इतना मुश्किल आंसर नहीं है क्योंकि 6 का टेबल किया जाए तो 6 × 12 = 72 होता है, तो वो पॉइंट में तो 0.12 यानी 0.12 आंसर, जिसको आप कन्वर्ट कर लें आपके पास ये 12 सेंटीमीटर वैसे जवाब आया हुआ है, और सेंटीमीटर में जाएंगे तो ये 12 सेंटीमीटर है, या 2 लिखा तो मैंने सही कर दिया उसको, ठीक है 0.12 मीटर है और 12 सेंटीमीटर में आंसर आएगा बीटा। 19 है बेटा, ट्रांसफर वेव है प्रोग्रेसिव, एनर्जी शिफ्ट कर रही है, स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर है, उसकी स्पीड 10 है, फ्रीक्वेंसी 1000 है, द फेज डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग 2.5 सेंटीमीटर का। अब देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का रिवर्स हो गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में एंगल पता होता था और आपने एक्स मालूम करना होता था, और यहाँ पर हमें एक्स पता है, हमने फाई मालूम करना है एंगल, तो वही बात है, पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी वी इक्वल टू एफ लैम्डा से, नहीं जी ये फॉर्मूला लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सोल्यूशन खास से हुआ हुआ है सामने, इसी को फॉलो कर लें, ये लैम्डा आ गया 0.1 लीटर, इसको यहाँ पे पुट अप करके ये 2π/λ इंटू एक्स के फॉर्मूले में इसको हल कर लीजिए, पाई बाय 2 इज योर आंसर, पाई हल नहीं करना, पाई को पाई लेके चलना, 40 आंसर आएगा। 20th क्वेश्चन है जी, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP इज 300 मीटर पर सेकेंड, एयर प्रेशर को डबल करेंगे स्पीड यही रहेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड एयर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, डेल्टा ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल, अल्ट्रा वायलेट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सिंपल बुक का आंसर है। 22, अ वुमेन हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 व्हाइल दैट ऑफ मैन इज 200, देयर वेवलेंथ आर इन द रेशियो, फ्रीक्वेंसीज की रेशियो की इनवर्स रेशियो होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, तो 1/3 आएगा क्योंकि ये वेवलेंथ की रेशियो है, इनवर्स रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी। अब इन्होंने सवाल में क्या किया कि वुमेन की फ्रीक्वेंसी पहले दी है, अब हमें वुमेन की वेवलेंथ पहले रखनी पड़ेगी, ठीक है, और मेंस की वेवलेंथ बाद में रखनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे वुमेन का फॉर्म ऊपर लैम्डा
मेंस के लिए लैम्डा नीचे तो फ्रीक्वेंसी में, या उल्ट लिखना पड़ेगा, इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही वजह है तो ये ऊपर 200 आएगा, नीचे 6, और बाद में 13 आंसर आएगा। 23rd, एक एस्ट्रोनॉट है इन स्पेस, कम्स टू नो दैट एन एक्सप्लोजन, ये हमारी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्टेंट एक्सप्लोजन होता है, आवाज नहीं आएगी, सिर्फ देखेगा, रोशनी आ जाएगी, तो बीटा आंसर बनता है, एस्ट्रोनॉट ओनली सा द एक्सप्लोजन। 24th पर आ जाए, साउंड वेव ए हैज की इंटेंसिटी 10^12 ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड वेव बी, ए की फ्रीक्वेंसी 10^12 है बी की फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का। ठीक है जी, आगे कह रहा है, बाय हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी। अब मैंने अभी बताया एम्पलीट्यूड का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ स्केयर में होता है, डायरेक्ट के साथ। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला, इंटेंसिटी ए, इंटेंसिटी बी, एम्पलीट्यूड ए का स्केयर, एम्पलीट्यूड बी का स्केयर। अंडरूट ले लीजिए या अंडरूट पुट अप कर दें इनका, तो ये आ गया एक्स ए ओवर एक्स बी, वैल्यूज पुट अप कर दें। ठीक है, आई ए की जगह 10^12 बी लगा दोगे, अंडरूट 10^12 आएगा, और जो हल हो के 10^6 बन जाएगा, क्योंकि अंडरूट कम तो 1/2 होता है। एक्स ए का जवाब 10^6 टाइम्स ऑफ एक्स बी आ रहा है। ठीक है, इवन इस पूरे का अंडरूट लेके डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसे अभी हमने डिस्टेंस वाला सवाल किया तो वो इनवर्स रिलेशन था, ये डायरेक्ट रिलेशन, बस ये फर्क है। 25th है, जब वाटर पोर करता है डीप वाटर से शैलो वाटर, सुन लो, डीप वाटर रेयर मीडियम कंसीडर किया जाता है, लिख लो चाहे, डीप वाटर रेयर मीडियम होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, और जो शैलो है ना ये होता है डेंसर। अभी बताया आपको मैंने, रेयर से डेंसर में जाओगे फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी, वेवलेंथ कम होगा, स्पीड कम हो जाएगी, तो बीटा आंसर है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसे जहन मशीन कर लो। 26 पे कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एज कम्पेयर टू इन मॉइस्ट एयर, हमें पता होना चाहिए कि जो मॉइस्ट एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर के मुकाबले में, तो जहाँ डेंसिटी कम वहाँ स्पीड ज़्यादा। ठीक है, तो लेस देन 1 हो जाएगा, ये वैसे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये नोट्स में भी आपको लेक्चर के दौरान लिखवाया गया होगा, आप इसको नोट कर लें। 27th है जी, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द वेव सच दैट 1/100th ऑफ सच वेव्स पास थ्रू द पॉइंट इन 2 सेकेंड, यानी एक वेव का 1/100 पार्ट 2 सेकेंड में गुजर रहा है। अगर 1/100 पार्ट 2 सेकेंड में गुजर रहा है तो एक पार्ट कितने में गुजर रहा होगा, ये हमारा सवाल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 100 के साथ, सिंपल इतना सा काम है। जब यहाँ 1 आएगा तो ये 100 उधर क्रॉस हो जाएगा, तो 200 सेकेंड आंसर आएगा बीटा। ठीक है, उसके बाद 28, एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी 1/4 इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन, मतलब किस टेम्परेचर पे जाकर स्पीड ऑफ साउंड अपनी 273 वाली वैल्यू का 1/4 हो जाती है। उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला है शॉर्टकट, लेकिन शर्त यह है कि इस फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में होने चाहिए, एंड इसमें वो वैल्यू है जितना टाइम्स आप उसको वेलोसिटी को बढ़ाना या कम करना चाहते हो। जब इसको हमने कहा ये 1/4 है, तो यहाँ एन 1/4 है, और टी जो गिवन है वो 273 केल्विन माशाल्लाह से पहले से है, तो 200 केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो 1/4 का स्केयर 273 इज योर आंसर, तो वो अल्फा है। ठीक है, उसके बाद 29th है, स्पीड ऑफ साउंड वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कोई असर ही नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होगा,
है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो लैम्डा कम होता है, स्पीड सेम रहती है, डेंसिटी का फर्क होता है, जिस पे स्पीड का फर्क पड़ता है उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ सेम रहेगा डेल्टा। 30th क्वेश्चन है कि जी इन ट्रांसवर्स वेव द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज टू बी थीटा वन। ट्रांसवर्स वेव में 90 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, एक चीज 90 डिग्री पाई बाय टू। वेयर एज इन केस ऑफ कंप्रेशनल वेव ये एंगल जीरो होता है, ठीक है, थीटा टू। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थीटा टू की थीटा वन से, थीटा टू की थीटा वन से, थीटा टू तो जीरो हो गया और ये पाई बाय टू हो गया, जीरो आंसर आ गया, जीरो है नहीं तो नन ऑफ दिस। ये जी आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है डिस्कशन में।